आज बठिंडा के प्रेस क्लब में कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाखड़ ने मीडिया को बताया कि सारा देश कोहिनूर को भारत में लाने की बात कर रहा है, परंतु हमारे देश का तो किसान ही कोहिनूर है, क्योंकि किसान ही हमारे देश के लोगों का पेट भरता है। ये शीशा या हीरा पेट नहीं भरेगा तो सरकारों की भी किसान की मुश्किलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो गेहूं की मंडी में लुढ़ रहा है और पेमेंट भी नहीं मिल रही। उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले साल भी किसानों की फसल की पेमेंट 5,000 करोड़ रुपए बहुत देरी से मिली थी और अब इस साल मंडी में 50% गेहूं आ चुका है और बिक चुका है, परंतु 200 करोड़ के करीब किसानों की गेहूं का ब्याज किसानों के सिर चढ़ गया है। पंजाब सरकार की निलैतिक से ही किसानों को पेमेंट नहीं मिल रही, इसकी शिकायत उन्होंने चंडीगढ़ बिजनेस को भी की है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैश क्रेडिट लिमिट सरकार दी बनाई है कणक दी परचेज वास्ते, ओदा मतलब आ नहीं भी पंजाब सरकार दी अनगहली, पंजाब सरकार दे जिहड़ा फ्रॉड है ओदे ते पर्दा पै गया। सिर्फ मोहलत मिली है, कांग्रेस पार्टी भी आई सेंट्रल गवर्नमेंट नूं अपील कर रही सी भी किसान नूं ना सजा भुगतनी पवे। किसान मंडियां दे विच अज 21 दिन हो गए रुल रहा, अज तक पेमेंट नहीं मिली। ओदी पेमेंट क्यों रुके? सरकार दी चोरी वजों। पर ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਨਾ ਝੋਨਾ ਉਨੀ ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। बठिंडा से अजार टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन दीपू शर्मा के साथ कुणाल बांसल की रिपोर्ट।